A very good afternoon, class. My name is Ajay Singh and I'm an aptitude trainer at Career Launcher Amritsar. So today we are going to start with a new topic, that is geometry. Okay. And be clear with that, it is our first class. We'll have 4 or 5 classes. Okay. In this case, हमने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि हमने ज्योमेट्री में करना क्या क्या है. ओके, मेक श्योर हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है ना ज्योमेट्री के केस में, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा ईजी होता है इन केस ऑफ ज्योमेट्री. ओके, आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है. ओके, आफ्टर दैट ज्योमेट्री में मेरे पास आ जाती है 2D फिगर्स. अब 2D फिगर्स के ना आगे काफी सारा सारे पार्ट्स हैं. द फर्स्ट वन इज पॉलीगन्स, सेकेंड वन इज पॉलीगन्स का सब पार्ट ट्राइंगल्स, आफ्टर दैट वी हैव सर्कल्स, एंड एट लास्ट 2D फिगर्स में हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, अब ये चारों बेसिकली मेरे किस में आ जाते हैं, 2D फिगर्स में. ठीक है, एंड एट लास्ट जो मेरे पास बच जाता है, दैट आर द 3D फिगर्स. ओके, वो बाद में डिस्कस करेंगे 3D फिगर्स कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, इस क्लास में विल ट्राई कि हम लाइंस एंड एंगल्स, पॉलीगन्स एंड ट्राइंगल्स थोड़ा सा कवर कर लें. ठीक है, बेसिक क्लियर होएगा तो हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो भी वर्कशीट में दिए होंगे. ओके, अब फॉर द स्टार्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लाइंस एंड एंगल्स के साथ. मेक श्योर ये सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक होता है एंड इस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम. ओके, ध्यान रखना. चलो, अब लाइंस एंड एंगल्स में ना आपने एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है. आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट विल बी इन सम डायग्राम्स. ठीक है, डायग्राम में आपको किसी एंगल की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. ओके, तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ. लेट सपोज मेरे पास ऐसे कोई फिगर दी हुई है, देयर आर टू लाइंस M1 एंड M2 एंड देर इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन, लेट सपोज इट इज T. अब इस फिगर में मेरे पास कितने एंगल्स बन रहे हैं, 8. 4 इस लाइन पे हैं एंड 4 इस लाइन पे हैं. तो मैं कुछ भी नाम ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ओके, अब इन एंगल्स का ना कुछ रिलेशन होता है, आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है. ओके, तो जो पहला एंगल मेरे पास आता है ना, जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को पता होना चाहिए, दैट इज अ लीनियर पेयर. अब लीनियर पेयर के लिए आप एक सिंपल सी एग्जांपल समझ सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की, राइट. अब अगर मैं यहां पर एक ट्रांसवर्सल बना देता हूं तो मेरे पास 2 एंगल्स बन गए. अब 2 एंगल्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट दोनों का सम कितना होएगा, 180 डिग्री. तो आप एक सिंपल सी चीज ध्यान रख सकते हो दैट लीनियर पेयर और एंगल कब बनता है, जब मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन पे जितने मर्जी एंगल बन जाए, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बी क्लियर विद दैट. ओके, अब इन दिस केस मेरे पास 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं, 1 और 4 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं, 1 और 4 भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर. सिमिलरली इन दिस केस 5, 8 लीनियर पेयर है, 7, 8 लीनियर पेयर है, 6, 7 भी लीनियर पेयर है और 5, 6 भी लीनियर पेयर है, राइट. अब सेकंड जो मेरे पास एंगल आता है ना, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, सिंपल सी चीज समझना. लेट्स सपोज 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो आमने सामने एंगल बनेंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम. रीजन बीइंग एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं,
टू और थ्री भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो वन और थ्री आपस में क्या आएंगे, इक्वल, बिकॉज इन दोनों केसेस में कॉमन क्या है, एंगल टू। तो आपने ये ध्यान रखना है, सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए कंडीशन ध्यान में रखना, दैट दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, कई बार ट्रांसवर्सल अलग होता है एंड वो उसको वर्टिकली ऑपोजिट ले लेते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस केस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6 एंड 8। ओके, तो ये लिख देता हूँ मैं, 1 एंड 3 इक्वल है, 2, 4 के साथ इक्वल है, सिमिलरली 5, 7 के साथ इक्वल है, एंड 6 जो है वो 8 के साथ इक्वल है। अब पॉइंट ध्यान रखना, एक सिंपल सी चीज समझो, क्या लीनियर पेयर के लिए या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए मेरे को जरूरत थी कि m1 m2 के साथ पैरेलल होनी चाहिए, नहीं थी। तो आपने इस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, जब भी लाइंस पैरेलल दी हो या ना दी हो, लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते ही बनते हैं। ओके, बट अगर वो कह दे दैट m1 एंड m2 दोनों पैरेलल हैं, तो उस केस में क्या होता है, मेरे पास ना तीन एंगल्स बनते हैं। सबसे पहले एंगल जो बनता है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब स्टूडेंट्स पता नहीं क्या क्या लर्न करते हैं, एफ शेप्ड फिगर वगैरह वगैरह, आपने सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पता कौन से होते हैं, जो दो पैरेलल लाइंस की सेम साइड पे एंगल बने, याद रखना, दो पैरेलल लाइंस की सेम साइड पे एंगल बने। कंडीशन ये है कि ट्रांसवर्सल सेम होना चाहिए, ट्रांसवर्सल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं वन एंगल की, m1 की वन, जहां पे वन एंगल वन बन रहा है, m2 की उस साइड पे एंगल कौन सा है, 5, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ओके, अब देखो एंगल 4 की अगर मैं बात करता हूं, एंगल 4 जिस साइड पे है उस साइड पे m2 पे कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल 8, तो एंगल 4 एंड 8 क्या होंगे, इक्वल। सिमिलरली 2 किसके साथ इक्वल हो जाएगा, 6 के साथ, एंड 3 किसके साथ इक्वल हो जाएगा, 7 के साथ। ये कौन से एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपको लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पता हैं, तो आप 90% ऑफ द क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपको बाकी दोनों एंगल्स की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, याद रखना बाकी जो एंगल्स हैं वो इन्हीं के बेसिस पे बनने हैं, इन्हीं के साथ कंबाइन करके। ओके, एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास एंगल आता है ना, आई एम रेजिंग दिस वन, लीनियर पेयर वाला और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला रेज कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना कंडीशन अभी भी सेम है कि m1 और m2 क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ओके, अब जो सेकंड एंगल मेरे पास बनता है ना, दैट इज एन ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, अब स्टूडेंट्स को याद रखते हैं जेड शेप्ड फिगर के साथ, ऐसा कुछ जेड बन रहा है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो जो Z के अंदर वाली साइड एंगल्स है ना, वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, अब पॉइंट ये है, Z की शेप कुछ भी हो सकती है, इसका मिरर इमेज हो सकता है लाइक दिस, लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल है, अदरवाइज एंगल इक्वल नहीं होंगे। अब एक सिंपल सी चीज समझो, इस फिगर में यहां पे Z बन रहा है, तो एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिमिलरली अगर उल्टा जेड बनेगा तो 4 किसके साथ इक्वल हो जाएगा, 6 के साथ। अब ये जो एंगल्स है ना, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसी तरह ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, बट मेरे को उनकी जरूरत नहीं पड़ती, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, क्लियर विद द पॉइंट। अब एक सिंपल सी चीज समझो, बेसिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आया कहां से, ध्यान से देखना, मेरे को पता था एंगल 4 जो था वो किसके इक्वल था, 8 के इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमने अभी किया था।
4 8 के इक्वल है एंड 6 और 8 भी आपस में इक्वल है, दोनों कौन से एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर 4 8 के इक्वल है, 8 और 6 इक्वल है, तो 4 6 इक्वल हो जाएंगे। एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये 120 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो एंगल 8 पे 120 हो गया और एंगल 6 पे कितना हो गया 120, तो तीनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो पॉइंट ये है, आप कॉरेस्पॉन्डिंग यूज कर रहे हो या ऑल्टरनेट यूज कर रहे हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कुछ फिगर्स में मेरे को डायरेक्टली इन रिलेशंस की जरूरत पड़ जाती है ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, बट रिमेंबर अगर लीनियर पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंड अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पता है तो आपको और किसी एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन, एक और एंगल आता है मेरे पास, उसको बोला जाता है को इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसी तरह को एक्सटीरियर भी होते हैं, बट याद रखना मेरे को उनसे मतलब नहीं होता। ओके, आपने ना सिंपली याद रखना है को इंटीरियर एंगल पता कौन से होते हैं, दो पैरेलल लाइंस के आमने सामने जो एंगल है, तो इसमें आमने सामने कौन से हैं 4 एंड 5, इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री का। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का, इक्वल नहीं होते। ओके, अब एक सिंपल सी चीज समझो, मैंने इसको 180 माना, सॉरी मैंने इसको 120 माना, ये भी 120 हो गया। अब 120 के साथ वाला एंगल कितना होएगा, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 5 कितना होना चाहिए 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो एंगल 4 और एंगल 5 का रिलेशन क्या आ रहा है, दोनों का सम कितना है 180 डिग्री का। तो आपने एक सिंपल सी चीज का ध्यान रखना है दैट को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। ओके, अब मेरे को इस केस में बताओ 3 का किसके साथ रिलेशन होएगा, 3 का रिलेशन मस्ट बी विद एंगल 6। ओके, अब याद रखना है इनको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल हम किसको बोलते हैं जिनका सम 180 होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 90 डिग्री का होता है। ओके, मेक श्योर टू नोट इट डाउन। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने उन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट आएगा यू कैन आस्क मी। ओके, दैट्स वो कहता है अगर AC एंड DE पैरेलल है, हमें क्या निकालना है, फाइंड एंगल X। अब एक सिंपल सी चीज समझो, इस केस में ये वाला एंगल कितना है 108 है, ये वाला एंगल है 20, ये एंगल कितना है X डिग्री। ठीक है, इस वीडियो को यहां पे पॉज करो एंड ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। ओके, फिर वीडियो प्ले करके इसको चेक करो आपका आंसर ठीक है कि नहीं। सी द सॉल्यूशन, ये एंगल 108 है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब हमने अभी किया था दो पैरेलल लाइंस की सेम साइड पे एंगल की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो अगर ये 108 है तो ये भी कितना होना चाहिए 108। ओके,
अगर आपने ये यूज नहीं करना तो इसके साथ वाला लीनियर पेयर हो जाएगा, आप ऑल्टरनेट इंटीरियर से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रिमेंबर, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर्स में, ओके। अब यहां पे आप एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो ट्राइंगल की, अगर आपको नहीं पता तो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक इन दोनों एंगल्स का रिलेशन क्या होना चाहिए, 180 सम होना चाहिए। तो अगर ये 108 है तो ये 180 माइनस 108 कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। अब ट्राइंगल ए बी डी में तीन एंगल्स हैं, एक एंगल है x, एक एंगल है 72, एक एंगल है 20 डिग्री। आपने याद रखना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 88 डिग्री, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पॉइंट समझना, अगर वो कहता है इन दिस फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी देन फाइंड एंगल एक्स, ठीक है, पॉज द वीडियो है एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सी द सॉल्यूशन इज, अगर ये 120 है, बेटर वाला बता रहा हूं, इसके अलावा और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन को इजी कैसे कर सकते हो, ओके। ये 120 डिग्री है तो यहां पे एक जेड शेप्ड फिगर बनेगी, अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूं तो, राइट। ये 120 है तो ये पूरा 120 होना चाहिए यहां से लेके यहां तक। अब ये 50 है तो ये कितना होना चाहिए, 70 डिग्री, राइट। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये दोनों एंगल्स बिल्कुल आमने सामने हैं, तो ये कौन सा रिलेशन बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स का। तो x प्लस 70 किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री, दैट्स द आंसर। I'll send you some of the questions in the worksheet, ठीक है। आपने उनको try करना है and take the doubts, ठीक है। Lines and angles में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता, tough questions होएंगे, ठीक है। But अगर आपको concept पता है तो आप questions को आराम से solve कर सकते हो, ठीक है। Moving towards the next topic in case of geometry for today is polygons, okay? अब जब मैं एक polygon की बात करता हूँ ना, polygon की एक simple सी definition होती है, याद रखना, enclosed figure, ठीक है, फिगर बंद होनी चाहिए, बट इट मस्ट हैव सम साइड्स, ठीक है। अब यहां पे ना मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि n कम से कम कितना होना चाहिए, 4, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यहां पे n कितना है, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो पॉलीगन कहां से स्टार्ट हो जाता है, 3 साइडेड फिगर से, दैट इज अ ट्राइंगल, ओके। जब n 4 होता है,
अब फोर साइड्स तो काफी सारी चीजों की होती है, स्क्वायर की भी फोर साइड्स हैं, रेक्टेंगल की भी फोर साइड्स हैं, रोम्बस की भी फोर साइड्स हैं, ठीक है। तो फोर साइडेड फिगर को ना बेसिकली कहा जाता है एक क्वाड्रिलेटरल, ओके। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। व्हेन देयर आर फाइव साइड्स इन अ फिगर दैट इज अ पेंटागन। इस फिगर की छह साइड्स होती हैं उसको बोला जाता है हेक्सागन। सेवन साइडेड इज कॉल्ड एज अ हेप्टागन और अ सेप्टागन। ओके, हेप्टागन भी बोल सकते हो, सेप्टागन भी बोल सकते हो। एट साइडेड इज एन ऑक्टागन। नाइन इज अ नॉनागन एंड इन विच देर आर टेन साइड्स इज अ डेकागन। ओके, अब मेक श्योर हमने ये फिगर्स सारी की सारी नहीं करनी होती, ठीक है। हमने ये करना है सिर्फ ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये दोनों फिगर्स हमने रेगुलर भी करनी है एज वेल एज इरेगुलर भी करनी है। अब रेगुलर और इरेगुलर का डिफरेंस क्या होता है? रेगुलर फिगर इज अ फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। रेगुलर फिगर कौन सी होती है जिसमें सारी साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं। सिंपल सी एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक इज ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बट अगर मैं इरेगुलर पॉलीगन की बात करता हूँ तो दोनों में से कोई एक कंडीशन गलत वो इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। सिंपल सी एग्जाम्पल वी कैन टेक इट इज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 होते हैं बट सारी साइड्स इक्वल नहीं होती तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होता। ओके, नाउ सी, अब इसमें मेरे पास क्वेश्चंस किस चीज के ऊपर आते हैं? इस केस में ना मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं फिर से मोस्टली नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है या किसी एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक सिंपल सी चीज समझो, अगर मैं बात करता हूं एक ट्राइंगल की, ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है दैट इज 180 डिग्री, राइट। अगर मैं एक साइड बढ़ाऊंगा ना तो सम 180 से बढ़ जाएगा। स्क्वायर में सम कितना होता है? 360। पेंटागन में जो सम होता है वो 180 से बढ़ जाता है तो वो कितना बन जाता है? 540। तो आपने ये ध्यान रखना है जो जितनी मैं साइड्स इंक्रीज कर जाऊंगा उतना 180 से इंक्रीज कर जाएगा सम। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस पता कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एक पॉलीगन रेगुलर है या फिर इरेगुलर है उस केस में मैं क्या क्या चीजें निकाल सकता हूं। पहली चीज मैं निकाल सकता हूं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। मैं बताता हूं कि इस फिगर में कितने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं इसके बाद, ठीक है। दूसरी चीज मैं निकाल सकता हूं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब आपने ध्यान रखना है जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो जितनी मर्जी साइड्स बढ़ जाएं हमेशा कितना रहता है? 360 डिग्री का। ओके, एक्सटीरियर एंगल्स का सम कभी चेंज नहीं होता। ओके, इंटीरियर एंगल्स के केस में मैंने अभी बताया कि ट्राइंगल के केस में 180 है, पेंटागन के केस में 540 होएगा, स्क्वायर के केस में 360 होएगा, हेक्सागन की बात करूं तो 720 होएगा एंड वो बढ़ता रहेगा 180 से, ठीक है। तो आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती है? 3। 3 माइनस 2 इज 1, तो सम कितना है? 180। 4 साइड होएंगी तो 2 इंटू 180 360। 3 साइड 5 साइड होएंगी तो 5 माइनस 2 इंटू 180 540 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये ध्यान रखना ये जो फॉर्मूलाज हैं ये अब चाहे इरेगुलर में अप्लाई करो चाहे रेगुलर में अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब मैं रेगुलर फिगर की बात करता हूं ना, रेगुलर फिगर में हम दो और चीजें निकाल सकते हैं।
अब एक सिंपल चीज समझो, इसमें हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सेम होगी, तो हम क्या कर देंगे, समय में पता है 360 डिग्री है, उसको नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर देंगे तो हर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे को ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो वो कैसे आएगा, समय में पता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ एंगल्स के साथ। अ पॉइंट ये है कि यहां पे मैंने n कॉमन क्यों लिया, सभी में n कॉमन है राइट, तो इसका मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं, उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल समझो, ट्रायंगल में साइड्स कितनी है, 3, इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, 3, एक्सटीरियर भी 3 ही होते हैं, मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है, इसको नोट करो ठीक है। अब समझना एग्जांपल को, ट्राइंगल एग्जांपल दे रहा हूं। अब इस केस में मेरे पास 3 इंटीरियर एंगल्स है, 1, 2, 3, एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल ठीक है। आपने अब दो चीजें ध्यान में रखनी है, एंगल 3 और 4 का सम कितना है, 180 है, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 भी कितना है, 180 है। अब यहां से मैं एंगल 3 की वैल्यू निकाल सकता हूं, या एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, एंगल 1 प्लस 2 इज 180 माइनस 3, ये हो गई मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। इससे मैं बोल सकता हूं एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 माइनस 3, तो जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, एंगल 1 प्लस 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल। तो प्रॉपर्टी क्या है, इट इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ओके। तो अगर मैं यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल बनाता हूं 5, लेट्स सपोज, तो 5 किसके इक्वल होएगा, 1 और 3 के सम के इक्वल ओके, ध्यान रखना। अब देखो मैंने एक एक्सटीरियर एंगल यहां पे बनाया, एक यहां पे बनाया, अब यहां पे भी तो बन सकता था, अब लेट सपोज ये 6 है। आपने ये ध्यान रखना है एक्सटीरियर एंगल बेसिकली दो बनते हैं एक वर्टेक्स पे, बट दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो कंसिडर एक ही होएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे 7 बना देता हूं, तो 5 और 7 भी आपस में क्या है, इक्वल है, एक यहां पे बनाया और एक यहां पे बनाया, अब ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो याद रखना है ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 3, एक्सटीरियर भी कितने होते हैं, 3। तो मैं बोल सकता हूं जब भी हम एक पॉलीगन की बात करेंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, एंड एन ही क्या है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है ओके। इस पॉइंट को ध्यान में रखना ठीक है, क्लियर द आइडिया, नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कहता है कि ईच इंटीरियर एंगल जो है उसकी वैल्यू है 140 डिग्री ओके, हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 बाय एन। अब पॉइंट ये है कि मैंने इंटीरियर एंगल की केस में मैंने रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला क्यों लगा दिया, बिकॉज यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ईच, मतलब हर इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है,
140. तो दैट मीन्स कि ये जो पॉलीगन है ये कौन सा होना चाहिए, रेगुलर वाला. अब इसको मैं आराम से सॉल्व करके आंसर निकाल सकता हूँ. ये जीरो के साथ जीरो चल जाएगा, ये नाइन पे चल जाएगा और ये सेवन पे चल जाएगा. तो सेवन एन किसके इक्वल है, नाइन एन माइनस 18 के. ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा. तो 2n किसके इक्वल है, 18 के. एंड n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9. ठीक है, इट इज द फर्स्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब आपने दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, इसको करने का एक और तरीका है. दूसरा तरीका क्या है कि इंटीरियर एंगल 140 है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मेरे को नहीं पता. ठीक है, याद रखना एक रेगुलर पॉलीगन की जब बात होती है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू का जो सम होता है ना वो हमेशा 180 डिग्री का होता है. तो अगर इंटीरियर एंगल की वैल्यू 140 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना रहेगा यहां से, 140. तो कितना आ गया, 40 डिग्री. अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला भी हमें पता है, 40 डिग्री इज इक्वल टू 360 बाय एन. तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9. आंसर में कोई फर्क आया? अब चॉइस आपकी है, आपने कौन सा वे यूज करना है. ठीक है, तो आपने सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के ज्यादा तरीके हैं. ठीक है, बट चॉइस आपकी है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. ओके, नोट इट डाउन. अब नेक्स्ट पार्ट जो मेरे पास आता है दैट इज ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, अब ट्राइंगल्स में आपने एक सिंपल सी चीज याद रखी, पहले मैं बेसिक रूल समझा रहा हूं. अगर एक ट्राइंगल दी हुई है आपको, ए बी सी. अब इसमें ना साइड्स डिफाइन करने का एक छोटा सा तरीका होता है, समझना. एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाली जो साइड है ना उसको हम लेते हैं एज स्मॉल ए. अगर ये एंगल एक्स होता तो ये क्या होता, स्मॉल एक्स. एंगल बी के सामने वाला स्मॉल बी, एंड एंगल सी के सामने वाला स्मॉल सी. ओके, नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज द पेरीमीटर. याद रखना द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी. ओके, पेरीमीटर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी. ओके, अब एरिया के क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं. अब स्टूडेंट्स का सबसे पहले आंसर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब वो तभी यूज कर पाओगे ना जब हाइट दी होगी. ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला मोस्टली यूज होता है एक रूल को बनाने के लिए, रूल को डिफाइन करने के लिए, या राइट एंगल ट्राइंगल के केस में. ये बेसिक ट्राइंगल्स में बहुत रेयरली यूज होता है. ओके, तो ध्यान रखना. तो एरिया का जो बेटर फॉर्मूला है वो है हेरोन्स फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ए बी सी हमारी साइड्स हैं. अब यहां पे एस क्या है, एस इज द सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ. ओके, ये हो गए बेसिक एरिया के फॉर्मूलाज. अब बेसिकली मेरे पास तीन और फॉर्मूलाज हैं. ठीक है, वो मैं ज्योमेट्री टू में डिस्कस करूंगा. ठीक है, बिकॉज एग्जाम्पल के बिना समझाऊंगा या लिख दूंगा वो फिर रट्टा ही बच जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होता. ओके, तो अभी के लिए मैं सिर्फ दो करवा रहा हूँ जिनके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे फर्स्ट वर्कशीट में. ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. ओके, अब मैं आ रहा हूं फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल के ऊपर. पहली ट्राइंगल है जो जिससे मैं स्टार्ट करने वाला हूं द
दैट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इक्विलेटर ट्राइंगल में करवाने वाला मोस्टली कुछ नहीं होता, बट फिर भी मैं करवाऊंगा, उसमें एक पॉइंट समझाने वाला है, ठीक है. बट मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, अब लेट सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी. ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी. अब ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए. अब कौन सी दो साइड्स इक्वल है वो दिया हो सकता है, ठीक है, या हमें निकालना पड़ता है. तो उसके एक सिंपल सी कंडीशन होती है. अगर लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ ए बी और ए सी इक्वल है, मैंने कौन सी साइड इक्वल ली है, ए बी एंड ए सी. अब ए बी के सामने एंगल कौन सा है, एंगल सी. ए सी के सामने एंगल कौन सा है, एंगल बी. तो याद रखना जो दो साइड्स इक्वल होती है ना, उन साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं. ओके, जो दो साइड्स इक्वल हैं उन साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं. एंड ये जो कंडीशन है ना, ये वाइस वर्सा होती है. ओके, तो आपने एक पॉइंट ध्यान रखना है दैट अगर दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनके ऑपोजिट वाली साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल. ओके, अब इसमें एक एरिया का फॉर्मूला होता है बट वो एरिया को निकालने के लिए कभी यूज नहीं होता. कुछ एग्जाम्पल ना लाइक सी डी एस, उसमें एक ऑप्शन दी होती है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड ऑप्शन दी होगी, ठीक है. ऑप्शन में ये ऑप्शन दिखेगी आपको, बी बाय फोर इंटू अंडर रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है. अब इसमें ए ये नहीं है, बी ये नहीं है, ठीक है. इन दिस केस बी इज द अनइक्वल साइड, ठीक है. बी कौन सी साइड है, थर्ड साइड जो इक्वल नहीं है किसी के. ओके, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है. अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो, जो स्टूडेंट सी डी एस या एफकैट टारगेट कर रहे हैं उसमें आ सकता है ऐसा कुछ, ठीक है, या एसएससी में आ सकता है, और किसी एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा. ओके, क्लियर. अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेसिस पे. लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया वो कुछ ऐसा, वो कहता है ये वाला एंगल है 100 डिग्री, ठीक है. क्या बोल रहा है उसने, एंगल ए डी सी इज 100 डिग्री. ओके, अगर वो कहता है इफ ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी सी फाइंड एंगल बी ए सी. इस क्वेश्चन को नोट करो, पॉज दिस वीडियो है एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सोल्यूशन देखना. अब इस केस में उसने बोला क्या है कि ए बी किसके इक्वल है, ए डी के. तो मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ए बी डी की, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. तो ये एंगल अगर एक्स है तो ए बी एंगल कितना होना चाहिए, एक्स. अब एक्स 100 के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, लीनियर पेयर का. तो एक्स और 100 का सम कितना होना चाहिए, 180. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री. ये 80 है, ये भी x 80 है. अब ट्राइंगल ए बी डी में तीन ही एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी. एंगल बी भी 80 है, डी भी 80 है. तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 180 माइनस 160, दैट विल बी 20 डिग्री. अब क्वेश्चन समझो, मैंने बी ए सी निकालना है, मैंने बी ए डी नहीं निकालना. अगर मैंने बी ए डी निकालना तो क्वेश्चन खत्म हो चुका था. ओके, अब उसने बोला है AD किसके इक्वल है, DC के. AD किसके इक्वल है,
डी सी के। अब ट्राइंगल की बात आ गई ए डी सी की, अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसके सामने ये एंगल होना चाहिए, तो ये एंगल कितना होएगा वाई, इसको मैं एक्स नहीं ले सकता बिकॉज एक्स मैंने ले लिया हुआ है, तो इसके सामने भी एंगल कितना होएगा वाई, ये 100 है, ये दोनों वाई हैं, तो 100 प्लस 2y किसके इक्वल होना चाहिए, 100 प्लस 2y इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के, तो 2y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 80, तो y कितना आ गया 40, ये 20 ये 40, तो दोनों का सम कितना हो गया 60 डिग्री, तो एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। नोट करो ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस वर्कशीट में है उनको ट्राई करना, ठीक है, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन चीजों के। ओके नेक्स्ट समझो, सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूं दैट इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल। अब इक्विलेटर ट्रायंगल का आपको पता है, इक्विलेटर ट्रायंगल में सारी की सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल, तो ये भी ए ये भी ए ये भी ए, मेक श्योर साइड को भी एस एज्यूम नहीं करना बिकॉज एस हम किसको मानते हैं सेमी पेरीमीटर को, जब हमें एरिया निकालना हो। ओके अब इसमें सारे एंगल्स भी कितने होंगे सेम, तो एंगल ए बी एंड सी तीनों एंगल्स कितने हो गए 60 डिग्री के। अब यहां पे जो पेरीमीटर होएगा दैट मस्ट बी ए प्लस ए प्लस ए, 3 हो गया राइट। अब एरिया का फॉर्मूला ना इस केस में स्टूडेंट्स ने रट्टा मारा होता है, दैट इज अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ ए स्क्वायर, रूट 3 बाय 4 ऑफ ए स्क्वायर। अब ये आया कहां से, अब ये आया है हेरोन्स फॉर्मूला से, हेरोन्स फॉर्मूला पता है ना, अंडर रूट ऑफ एस इन टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, उसमें वैल्यूज पुट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, या आप ये दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको हाइट चाहिए, इस केस में जो हाइट होती है दैट इज अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए, ठीक है, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी पुट करके निकाल सकते हो। अब ये हाइट रूट 3 बाय 2 ऑफ ए ही क्यों है वो समझते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर खींचता हूं, अब परपेंडिकुलर बायसेक्टर क्या करेगा 90 डिग्री भी बनाएगा, इसको बायसेक्ट भी कर देगा, तो ये a बाय 2 हो जाएगा, ये भी a बाय 2 हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में सभी को पता है हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इसको h मान लें, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एच स्क्वायर की यहां से वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, इसको सॉल्व करूंगा तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 3 बाय 2 ऑफ ए, दैट्स इट। अब इक्विलेटर ट्रायंगल इजी इसलिए है बिकॉज इसमें लिमिटेड सी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं आ सकता, नोट इट डाउन। साइड्स के बेसिस पे ना मेरे पास तीन ट्राइंगल्स आती हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलस एंड स्केलिन। अब स्केलिन ट्राइंगल करवाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती बिकॉज इसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, एंड उसमें एक ही फॉर्मूला आ सकता है जो हमने स्टार्टिंग पे किया था, हेरोन्स फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट ऑफ एस ए टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो अब मैं आता हूं एक ट्राइंगल के ऊपर जो हम लेते हैं एंगल्स के बेसिस पे, ट्राइंगल कौन सी है राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये ध्यान रखना, लेट सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसमें राइट एंगल कहां पे है
बी पे. अगर मैंने बोला होता ना राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी, तो राइट एंगल कहाँ पे होता, एंगल ए पे, ध्यान रखना. ओके अब इसमें 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज. अब मेक श्योर परपेंडिकुलर ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, ठीक है, वो हम अपनी मर्जी से डिफाइन नहीं कर सकते. ओके तो फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम. राइट, राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ भी और याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है. अब पॉइंट ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ना एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल आती है. ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज समझो, हाइपोटेन्यूज तो किसी के इक्वल हो नहीं सकता, तो इस केस में इक्वल क्यों आएगा, परपेंडिकुलर एंड बेस. तो इसमें 90 डिग्री को छोड़ के बाकी दोनों एंगल्स जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 45 डिग्री के. ओके याद रखना. अब इस केस में आप सिंपली ये चीज याद रख सकते हो, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर एक्स है बेस भी एक्स होएगा, तो जो हाइपोटेन्यूस है ना दैट मस्ट बी अंडर रूट टू ऑफ एक्स. ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको दोबारा ये चीज अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप x x मानते हो इसमें पुट करोगे तब भी ये रूट टू ऑफ x ही आएगा. ठीक है, तो आप एक सिंपल सी चीज़ याद रख सकते हो, एक शॉर्टकट है कि अगर परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू सेम है तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, अंडर रूट टू ऑफ दैट वैल्यू. तो अगर मैं कहता हूँ x 10 है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी, 10 अंडर रूट टू, दैट्स इट. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, क्लियर, नोट कर लो. ठीक है, एक और टाइप ऑफ ट्राइंगल आती है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, वो मैं कोरिलेटर्स के केस में डिस्कस करूंगा, ठीक है, विद एन एग्जांपल. ओके, अब समझो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हमने एक प्रॉपर्टी की ना पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब ये ना हेल्प करता है टू डिफरेंशिएट विच differentiate between a right angle triangle and the other type of triangles. ठीक है, याद रखना जब right angle triangle आती है हमें कैसे पता लगेगा right angle triangle है, with the help of sides, with this formula, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Remember the condition, A is the longest side. A कौन सी side है, लॉन्गेस्ट साइड. ओके, अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं, लेट सपोज तो उसमें भी कंपैरिजन इन तीनों चीजों का होता है, ए स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ. अब याद रखना है, इसको याद रखने का ट्रिक होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हर एंगल 90 से छोटा होता है, तो ए स्क्वायर जो होगा वो छोटा होना चाहिए, तो ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ओके, एंड एक आ जाती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ओके, इस केस में जो ए स्क्वायर की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से. तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें, लेट सपोज अ ट्राइंगल इज विद 3, 4 एंड 5, साइड्स हैं 3, 4, 5, तो क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर 25, ए क्या मानना है मेरे को 5, बी और सी कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 16 प्लस 9 क्या इसके इक्वल बन रहे, यस, तो ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल, सिंपल. आपको ऐसे ही करना है सॉल्व, और कुछ भी नहीं करना है इस केस में, ठीक है, फॉर दिस क्लास इतना बहुत है. ठीक है, ट्राई, इसके बेसिस पे आपने क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना है. ठीक है.